हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS ऑनलाइन। जैसा कि आपके ICAR के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक और गिफ्ट IFS की तरफ से दिया जा रहा है, IFS फैमिली की तरफ से दिया जा रहा है। दैट इज वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज 2019 में ICAR का जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं, ताकि लास्ट मूवमेंट अगर आपको रिवीजन करना हो, कोई कंसेप्ट आपको याद करना हो, कोई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था आपको समझ नहीं आया, आप सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो उससे रिलेटेड आपको ये एक गिफ्ट दिया जा रहा है IFS फैमिली की तरफ से। तो एक बार के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जो कि ICAR का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। उसी के साथ साथ IFS के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के और भी जो वीडियोस आपके लिए हम बना रहे हैं वो आपको मिलता रहे, और आपके एग्ज़ाम से पहले आपको हम जितना हेल्प कर सकते हैं हेल्प करते रहेंगे। उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दिया जाए दोस्तों कि ICAR के कोर्सेज भी अब IFS लॉन्च कर रहा है, तो अब आपको जो प्रिपरेशंस करने में तकलीफ़ आया करती थी, मुश्किलें आया करती थी ICAR के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, वो नहीं आने वाली है। नाउ वी आर हियर फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चंस जो हैं उसे हम सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। 30-30 क्वेश्चंस का सेक्शन होगा, जो कि एक्सप्लेन किया जाएगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होगा आपके लिए, और अलग अलग टीचर्स जो होंगे आपके फेवरेट टीचर्स उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करें, जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करें, और ध्यान से समझें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस किस तरीके के थे और हमें कैसे प्रिपेयर रहना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न और इस एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, पता होना चाहिए। अगर आपने ब्रोशर रेफ़र किया है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इस बार के एग्ज़ामिनेशन के अंदर 120 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस, और फिर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के अंदर 50-50 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बताया गया है। तो इस बार का जो एग्जामिनेशन है वो पुराने एग्जामिनेशन से अलग है। पुराने जो भी पेपर्स हमारे पास हैं वहाँ पर आपको 200 क्वेश्चंस का पूरा पेपर मिलेगा, लेकिन इस बार से जो एग्ज़ाम है वो चेंज हुआ है। तो पैटर्न को याद रखें और तैयारी से जाएं एग्ज़ाम के लिए। उसी के साथ साथ टाइम ड्यूरेशन भी आपको पता है, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है। तो थोड़े से एग्ज़ाम के पैटर्न में डिफरेंसेस हैं, आप ध्यान से सारी चीज़ों को अच्छे से समझ करके एग्ज़ाम देने जाना, नहीं तो आपसे कुछ गलती हो सकती है। आप 3 घंटे का एग्ज़ाम सोच के बैठे और 2 घंटे में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन रह जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान से ब्रोशर को एक बार के लिए रेफ़र कर लीजिए, जो भी एडमिट कार्ड आ चुका है उस एडमिट कार्ड को देखें, उसमें जो भी ज़रूरी जानकारियां हैं उन ज़रूरी जानकारियों को फॉलो करें, और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आप आपके एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंच जाएं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं दोस्तों जो मुझे आपको बतानी चाहिए, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं IFS फॉर ऑल, जैसे कि अब IFS कई तरह के कोर्सेस आपको ऑफर करता है, उसी तरीके से मैं बता चुका हूँ आपको ICAR के कोर्सेज भी आपको जो है अब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ़िलहाल का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आप दे दीजिए, लेकिन अगर आप किसी भी वजह से एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाते, अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, चिंता करने की कोई बात नहीं, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा होता है, चिंता ना करें, IFS आपके साथ है, और अगले एग्ज़ाम की तैयारी हम आपसे करवाएंगे, और 100% सक्सेस की गारंटी होगी आपके लिए। तो याद रखें दोस्तों, IFS फॉर ऑल, IFS इज़ नाउ प्रोवाइडिंग द कोर्सेज और वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज ऑफ CSR नेट सेट एग्जामिनेशन, IT जैम एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, DBT, नीट एग्जामिनेशन, ICAR मैंने बता ही दिया है। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेस हैं जो कि अब IFS प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ मैं बता दूं, जनरल एप्टीट्यूड की सेपरेट
क्लासेस भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एग्जाम के पहले आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो IFS आपको प्रोवाइड कर रहा है और आप इन सारे कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि ऐसे ही हम कोर्स को लॉन्च नहीं कर रहे, ऐसे ही मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि जो क्वालिफिकेशन है वो फिक्स है। अगर आप IFS के हिस्सा बनोगे, उसके साथ जुड़ोगे, तो डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस है वो फिक्स हो जाती है, आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाते हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई सारे बच्चे जो IFS का हिस्सा रह चुके हैं, IFS के साथ अपनी प्रिपरेशंस कर चुके हैं, वो क्वालिफाई हुए हैं ICAR के एग्ज़ाम्स, यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं। ये तो मैं कुछ रिजल्ट, कुछ टाइम के रिजल्ट बता रहा हूँ, के अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम में कई सारे बदलाव हैं, एग्ज़ाम की डिमांड अलग है, अकॉर्डिंगली अब एक यूनिक तरीके का प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड सेपरेट कोर्स ही आपके लिए ICAR का दिया जा रहा है। तो कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस बात को पहुँचाएँ। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चंस तो काफ़ी आसान हैं, चलिए फिर भी तो एक बार के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली किस तरीके के आ रहे हैं। तो ध्यान से दोस्तों, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 141, द सिग्नल ट्रांसडक्शन और मेटाबॉलिक प्रोग्रामिंग टूवर्ड्स डिफेंस इज ट्रिगर्ड इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्स टू ऑल फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शंस इंड्यूस कराते हैं, एंड मेनली यहाँ पर बात हो रही है जो डिफेंस से रिलेटेड सिग्नल ट्रांसडक्शंस हैं उनके बारे में। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस सिग्नल ट्रांसडक्शन को इंड्यूस कराते हैं, शुरू कराते हैं। इनमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं कराता, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर्स में से यहाँ पर जो चार फैक्टर दे रखे हैं उसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन इंड्यूस नहीं कराता, स्पेशली डिफेंस वाले। सो आंसर की बात की जाए, आंसर इज यस, अकॉर्डिंग टू द की आंसर इज सेल्यूलोज रिडक्शन। अगर कभी प्लांट के सेल के सराउंडिंग में सेल्यूलोज की कमी हो जाए तो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि प्लांट के अंदर कोई डिफेंसिव रिस्पॉन्स आ जाए। अगर प्लांट के सेल को कोई डैमेज हो, सेल वॉल को कोई डैमेज हो बाय एनी काइंड ऑफ पैथोजन, देन इट मे इंड्यूस द सिग्नल ट्रांसडक्शन इनटू द प्लांट। ऐसे ही डैमेज की वजह से आयन इनफ्लक्स हो जाता है, सो यस ट्रिगर हो सकता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से, जी हाँ होता है, अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज़्यादा बनने शुरू हो जाए तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सिग्नल टू इनिशिएट सच काइंड ऑफ डिफेंसिव पाथवेज। उसी के साथ साथ फाइटोक्रोम, जो वेल नोन फोटो रिसेप्टर है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अगर किसी तरीके के बदलाव आते हैं तो वो उन बदलावों के अकॉर्डिंगली कई सारे सिग्नल जो है शुरू कर देता है, कई सारे पाथवेज शुरू कर देता है प्लांट्स के अंदर। तो लाइकवाइज मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ पाथवेज, मेटाबॉलिक पाथवेज इनटू द प्लांट बॉडी। हाँ, कभी भी इस केस में तो नहीं होगा कि किसी सेल के सराउंडिंग में सेल वॉल के अंदर सेलुलोज की कमी हो गई तो सिग्नल ट्रांसडक्शन शुरू हो गया, ऐसा देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी ट्रेट इज कन्फर्ड बाय किस पर्टिकुलर जीन की वजह से साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी देखने को मिलती है। तो जैसे कि हम जानते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी की बात हो रही है, मतलब मेज का एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, एंड मेनली द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल जीन, और जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इट इज प्रेजेंट ऑन अ माइटोकॉन्ड्रियल DNA। तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी, ठीक है। अब मेल स्टरिलिटी के कई सारे एप्लीकेशंस हैं प्लांट ब्रीडिंग्स के अंदर, स्पेशली जब हम कभी भी ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं,
उस समय क्रॉस पॉलिनेशंस कराने की हमारी जो है इच्छा होती है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं हम, ताकि डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो F1 जनरेशन में या हाइब्रिड्स में देखने को मिले। लेकिन अगर कभी किसी प्लांट के अंदर जो मेल वाला पार्ट है वो भी फर्टाइल है, तो देखने को मिलेगा कि किसी वजह से अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए तो आपको वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि हमें चाहिए। तो जनरली टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम मेल स्टर्लिटी शोइंग प्लांट्स आर गेट यूज। ओके, सो इन दिस केस द हाइब्रिडाइजेशन और आफ्टर क्रॉसिंग विल गेट अ डिजायर रिजल्ट, बिकॉज यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस भी जो होंगे वो मिनिमम हो जाएंगे, बिकॉज ऑल पोलन्स आर ऑलरेडी फर्टाइल, तो वो कभी भी स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे और हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट को अल्टरेशन मिनिमम होगा। तो इस तरीके से जो है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वॉज सीक्वेंस्ड फर्स्ट, ऐसा कौन सा क्रॉप है जो कि सबसे पहली बार जिसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई है। याद रखना दोस्तों, क्रॉप की बात हो रही है, क्रॉप के लिए हमें याद होना चाहिए राइस की सबसे पहली बार जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई थी। अगर यहीं पर प्लांट का नाम सिर्फ होता, क्रॉप नहीं होता, तो हम एरोबडोप्सिस थैलियाना का नाम लेते, लेकिन यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इसे आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ कल्चर। तो जब कभी भी हम लार्ज स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर कल्चरिंग कर रहे हैं इसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ताकि कोई डिजायर प्रोडक्ट हमें मिल सके, सो अलग अलग तरीके के जो कल्चर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कंटिन्यूस कल्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर मेनली जो ब्रॉड दो कैटेगरीज हैं, दैट इज बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर। अब अगर कंटिन्यूस कल्चर होगा तो कंटिन्यूस कल्चर के अंदर देखने को मिलता है कि जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरियाज की, वो जनरली जे शेप का कर्व शो करती है, उसमें सिग्मोइडल कर्व निकल करके नहीं आता, बिकॉज कंटिन्यूसली द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म दे आर गेटिंग अ न्यू न्यूट्रिएंट सप्लाई। बट इन अ बैच कल्चर द स्पेस इज लिमिटेड, द न्यूट्रिएंट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द पर्टिकुलर बायोरिएक्टर दैट इज आल्सो लिमिटेड। अब क्योंकि हम लगातार नया न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उस फिक्स स्पेस और फिक्स न्यूट्रिएंट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो कुछ इस तरीके का ग्रोथ पैटर्न शो करेगा, व्हिच इज लुक लाइक अ एस शेप, जिसे सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व कहा जाता है। तो इस तरीके से कौन से कल्चर के अंदर हमें ऐसा सिग्मोइडल ग्रोथ देखने को मिलेगा, सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व निकल करके आएगा, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलेगा बैच कल्चर के अंदर, और ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआती फेज में जब आप इनाकुलेट करेंगे बैक्टीरियाज को तो लैग फेज होगा, जो कि एडजस्टमेंट फेज है, अडेप्टेशन वाला फेज है। बैक्टीरियल सेल दे विल अडेप्ट देयर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द न्यू कंडीशंस, एंड देन वंस दे विल गेट अडेप्टेड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग विद अ वेरी रैपिड रेट, बिकॉज इनिशियली द स्पेस एंड न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन अ वेरी हाई अमाउंट, एंड दिस फेज विल बी कॉल्ड एज अ लॉग फेज, which is also called as a positive acceleration phase. और यहाँ पर जो ग्रोथ होती है उसे हम एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट जो कर्व है वो सीधे ऊपर जा रहा है, उस समय के लिए जे शेप अपीयरेंस दिखा रहा है। बट आफ्टर अटेंडिंग द हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी, जो ग्रोथ होगा वो धीरे धीरे कैसा होना शुरू हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेटिंग होना शुरू हो जाएगा, राइट right? और एक समय के बाद यहाँ पर स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो लाइकवाइज कई सारे फेजेस से गुजरता है जब हम किसी तरीके के कल्चर को, स्पेशली बैच कल्चर की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ विल शो वेरियस टाइप्स ऑफ फेजेस, सो द करेक्ट आंसर शुड बी बैच कल्चर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है ये। सिंथेटिक सीड के बारे में बात हो रही है। सिंथेटिक सीड क्या होता है कि हम किसी तरीके के सेमी सॉलिड बीड लाइक पोर्शन के अंदर, सेमी सॉलिड बीड लाइक पोर्शन के अंदर हम क्या कर देते हैं। अब ये इस शेप का हो सकता है या सर्कुलर शेप का भी हो सकता है। इस तरह के किसी सेमी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो कि पोरस होगा, इसको एंट्रैप कर दिया जाएगा ग्रोइंग एम्ब्रियो को, सो द ग्रोइंग एम्ब्रियो इट इज एंट्रैप्टेड इनटू सम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेनिंग सेमी सॉलिड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक सीड। जैसे सीड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बीच में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और बाद में उस सीड को जब कभी भी आप मिट्टी में लगाएंगे वो ग्रो कर जाएगा और क्या बना देगा, नया सीडलिंग बना देगा। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ग्रोइंग एम्ब्रियो को या फिर किसी ग्रोइंग टिप को क्या कर दिया जाता है, शूट टिप को किसी सेमी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर एंट्रैप कर दिया जाता है विच कंटेन न्यूट्रिएंट कंटेंट्स न्यूट्रिएंट मीडिया, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम सिंथेटिक सीड कहते हैं। And this synthetic seed, it may contain gel, जो है बाहरी जेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, सोमैटिक एम्ब्रियो हो सकता है, yes, या फिर शूट का टिप हो सकता है। शूट टिप जनरली जो प्लांट का टॉप मोस्ट पोर्शन है जो कि ग्रो हो रहा होता है और वहां पर कंटिन्यूसली सेल्स डिवाइड करके नए टिश्यूज बना रहे होते हैं, जनरली इन पोर्शंस का इस्तेमाल टिश्यू कल्चर के अंदर एज ए एक्सप्लांट किया जाता है ज्यादातर। दिस इज कॉल्ड शूट टिप और बर्ड। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द सेल विच इज कंपोज्ड ऑफ डिवाइडिंग सेल। ये किसका बना हुआ है, डिवाइडिंग सेल्स का, और डिवाइडिंग और डिविजन शोइंग जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ साथ मोस्टली क्योंकि ये जस्ट न्यूली ग्रोइंग पोर्शन है तो यहाँ पर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है क्योंकि जस्ट ये अभी ग्रो ही हो रहा है। जैसे जैसे कोई प्लांट का पार्ट ओल्ड होता जाता है वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस, पैथोजेंस के अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन जस्ट यंग ग्रोइंग पोर्शन पर जो चांसेस हैं पैथोजन के होने के वो कम होते हैं, इन्फेक्शन के होने के वो कम होते हैं। इसीलिए जनरली ऐसे शूट टिप का इस्तेमाल एज अ यस एक्सप्लांट किया जाता है। सो शूट टिप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंथेटिक सीड प्रिपरेशन के अंदर या सोमैटिक एम्ब्रियो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो है पोर्शंस का इस्तेमाल किया जाता है मेनली यहाँ पर आंसर। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया है उसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द एक्सचेंज ऑफ जर्मप्लाज्म इज कैरिड आउट प्रिफरेबली थ्रू शूट टिप कल्चर बिकॉज। तो जनरली टिश्यू कल्चर के दौरान एक्सचेंज ऑफ जर्मप्लाज्म मतलब हम किसी जर्मप्लाज्म या जर्मप्लाज्म के तौर पर आप किसी भी चीज़ को यूज कर सकते हो, इट मे बी द एनी प्लांट पार्ट और इट मे बी सीड और इट मे बी एनीथिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। सो सिंपली ये क्वेश्चन है कि टिश्यू कल्चर के दौरान शूट टिप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जनरली शूट टिप कल्चर ही क्यों प्रेफर किया जाता है जब कभी भी आप जर्मप्लाज्म जो है डिपॉजिट कर रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो
या रिप्लेस कर रहे हो पुराने मटेरियल को नए मटेरियल से, तो उस समय शूट टिप कल्चर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अभी मैंने बता दिया शूट टिप्स को जब एज ए एक्सप्लांट यूज करते हैं तो वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, वायरस फ्री होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, पैथोजन होने के चांसेस कम होते हैं। उसी के साथ साथ शूट टिप इज डिजीज फ्री, जी हाँ यही तो मैंने बताया था अभी, वायरस फ्री होगा, शूट टिप डिजीज फ्री होगा। इस वजह से जनरली क्या किया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है अपाइकल शूट टिप कल्चर का। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर जो किमी दे रखा है दैट इज ऑल ऑफ दीज, लेकिन द स्टेटमेंट टू इज कॉन्ट्रास्टिंग। कैसे है समझिए, मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट शूट टिप ओनली, ओनली वाली बात गलत है। मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग रीजन, द रीजन विच कंटेन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग रीजन की बात हो रही है, मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब डिवाइडिंग रीजन की बात हो रही है। शूट टिप डिवाइडिंग रीजन्स होते हैं, यहाँ पर सेल्स लगातार डिवाइड करते थे, सही बात है, बट ये ओनली रीजन्स नहीं है जहाँ पर मेरिस्टेम पाया जाता है। मेरिस्टेम इज इट मे बी रूट मेरिस्टेम, मे बी शूट मेरिस्टेम, इट मे बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम कई तरीके के होते हैं, प्लांट की बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं। ये इकलौता ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर मेरिस्टेम होता है, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो इस ऑप्शन की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में एरर है, लेकिन आंसर की में जो आंसर दे रखा है दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज इंड्यूस्ड बाय, कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से फ्यूजोजन का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूजोजन मतलब फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल और यूटिलाइज सब्सटेंस, द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, किसका इस्तेमाल किया जाता है, सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ऐसे ही पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, हाई पीएच या हाई कैल्शियम सॉल्यूशंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो कई सारे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, तो इस ऑप्शंस के हिसाब से सारे ही केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट इज फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन काफी आसान है, समझिए जरा, इन RNAi जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, तो जीन साइलेंसिंग के लिए जब कभी भी जीन साइलेंसिंग कराई जाती है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग की, उस समय जो भी पोर्शन यूज होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो जब कभी भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग की बात होती है उस समय पर जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ये कोई एक लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड आरएनए था, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डाइसर प्रोटीन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, एंड देन दे आर यूज एज अ साइलेंसिंग आरएनएस, इनका इस्तेमाल एज अ साइलेंसिंग आरएनएस किया जाएगा। अब साइलेंसिंग आरएनएस के तौर पर जब इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो इनमें से एक स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया जाता है आगे की प्रोसेसिंग के लिए, साइलेंसिंग के लिए, और जिस एक स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम गाइड स्ट्रैंड कहते हैं। अब ये गाइड स्ट्रैंड हो सकता है कि जिस भी mRNA को साइलेंस करना हो से पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करे या पार्शली कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करे, अगर पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होता है तो जो भी टारगेटेड mRNA है उसके पूरी तरह से क्लीवेज हो जाएगी और किसी भी तरीके का जेनेटिक एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर गाइड RNA पूरी तरह से बाइंडिंग नहीं करता है तो एगोनेट फैमिली के कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो करके ये
जीन की साइलेंसिंग कराता है। जीन की साइलेंसिंग कराता है मतलब डिग्रेडेशन तो नहीं होता है, लेकिन जीन का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाता, सॉरी एमआरएनए का ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्मेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का इस्तेमाल किया जाता है साइलेंसिंग के प्रोसेस में। इट मे बी फॉर अ कंप्लीट क्लीवेज और इट मे बी फॉर द साइलेंसिंग बाय कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद एमआरएनए। तो आंसर यहां पर जो निकल करके आना चाहिए, इट शुड बी यस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का इस्तेमाल किया था। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का इस्तेमाल किया जाता है साइलेंसिंग के दौरान। और जिस भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है, गाइड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द S1 न्यूक्लियस इज आइसोलेटेड फ्रॉम। S1 न्यूक्लियस नाम का एंजाइम इससे आइसोलेट किया गया है एंड द आंसर इज एस्परजिलस ओराइजी। ठीक है, तो ये एक यूनिक तरीके का एंजाइम है जिसका इस्तेमाल कई सारे प्रोसेसिंग्स में किया जाता है। मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और ट्रिमिंग ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड पोर्शंस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के जो एक्स्ट्रा फ्लैंकिंग एंड्स होते हैं उनको कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एस्परजिलस ओराइजी। तो याद रखें कि अगर इस तरीके से कोई सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है और ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर आके सपोज इसमें अटैच हो गया, तो जो एक्स्ट्रा पोर्शंस यहां पर प्रेजेंट हैं, एक्स्ट्रा फ्लैंकिंग एंड्स यहां पर प्रेजेंट हैं, इन एक्स्ट्रा फ्लैंकिंग एंड्स को ट्रीम करने का काम कराता है कौन, S1 न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बारनेज एंड बारस्टार जीन वेर आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम। कौन से बैक्टीरियम से इसे आइसोलेट किया गया है, इसे आइसोलेट किया गया है बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस से। अब इसके काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये भी समझिए। बारनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल स्टरिलिटी, इसकी वजह से प्लांट के अंदर मेल स्टरिलिटी इंड्यूस होती है। और बारस्टार जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जैक्टली अपोजिट फंक्शन, अगर ये जीन भी प्रेजेंट है तो मेल स्टरिलिटी सप्रेस होती है। तो बारनेज एंजाइम अगर किसी प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो जो टैपिटल सेल्स हैं इन टैपिटल सेल्स का इनिबिशन होगा। टैपिटल सेल्स जो हैं वो कुछ ऐसे चीज़ें सिक्रीट करेंगे जो कि पोलन मदर सेल को डिवाइड नहीं होने देगा और पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशंस को इनिबिट कर दिया जाएगा। अब अगर हम फिर से रीगेन कराना चाहते हैं, रीफर्टिलिटी जो है डेवलप करना चाहते हैं प्लांट के अंदर, तो बारस्टार जीन इज रिक्वायर एंड बारस्टार जीन इज अ इनिबिटर ऑफ द बारनेज जीन। इस तरीके से दोनों के फंक्शंस क्या है, दोनों का क्या इस्तेमाल है, मेल स्टरिलिटी इंड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेल स्टरिलिटी को रिवर्स करने के लिए बारस्टार जीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ जाए। कहाँ से ये जीन आया है ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोबैक्टीरियम प्रोटीन आर फर्स्ट टू बी फॉस्फोरिलेटेड इन रिस्पॉन्स टू एसिटोस्ट्रिंगॉन। एसिटोस्ट्रिंगॉन विच इज रिलीज्ड बाय द प्लांट फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम को अट्रैक्ट करने के लिए या उसको सिग्नल मॉलिक्यूल के तौर पर जो मॉलिक्यूल है विच इज सिक्रेटेड बाय द प्लांट दैट इज कॉल्ड एसिटोस्ट्रिंगॉन एंड दिस सिग्नल मॉलिक्यूल इज फर्स्ट ऑफ ऑल
received by a receptor which is present on the inner membrane of this bacteria. इस bacteria के inner membrane पर पाया जाता है receptor, and after binding of the acetostringon on the receptor, which is produced by gene VIR-A. So VIR-A जो protein है ये inner membrane वाले receptor पर inner membrane पर present होता है and it is behaving as a sensor or we can call as a receptor. जैसे ही इसके ऊपर ये molecule signal molecule अगर के bind हो जाएगा it will go for autophosphorylation. क्या होता है इसका autophosphorylation होता है और autophosphorylation सबसे पहले किसका हो रहा है खुद उस protein का हो रहा है जो कि VIR-A के नाम से जाना जाता है ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अब इसके बाद जो सेकेंड नंबर पर फॉस्फोराइलेट होगा दैट इज इफेक्टर प्रोटीन. यस दैट इज कॉल्ड VIR-G. तो ध्यान रखें इस तरीके से VIR-A एंड VIR-G दोनों ही ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनका क्या होता है फॉस्फोराइलेशन होता है आफ्टर द सिग्नलिंग डन बाय प्लांट. इसी चीज को अब हम एक बार के लिए डिटेल में देख लेते हैं एक अच्छे डायग्राम के साथ देख लेते हैं. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. अभी हमने बात की जो भी रिसेप्टर होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है दिस इज द रिसेप्टर ऑफ प्लांट डिराइव्ड सिग्नल दैट इज एसिटोस्ट्रिंगॉन. एसिटोस्ट्रिंगॉन जैसे ही आकर के इसके साथ बाइंड होगा इस रिसेप्टर का क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक साइड में ऑटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से ये एक्टिव हो जाएंगे एंड देन दे विल एक्टिवेट द VIR-G प्रोटीन जिसकी एक्टिवेशन के लिए क्या होता है अगेन फॉस्फोराइलेशन होता है. सो लाइकवाइज ध्यान रखें प्लांट डिराइव सिग्नल्स आर रिकॉग्नाइज्ड वाया VIR-A रिजल्टिंग हाई लेवल ऑफ VIR-G प्रोटीन. जैसे ही इसका फॉस्फोरिलेशन होगा VIR-G फॉस्फोरेटेड VIR-G प्रोटीन की जो अमाउंट है कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी और उसके बाद ये जो है और भी कई तरीके के जीन्स के एक्सप्रेशन को जो है एक्टिवेट करवा देगा और भी कई तरीके के जो भी प्रोटीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाएगा. तो इस तरीके से याद रखें कि सबसे पहले कौन से वाले प्रोटीन्स की एक्टिविटी होती है VIR-A उसके बाद VIR-G एंड देन बाकी के जो भी प्रोटीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन शुरू होता है. अब आगे की चीज़ों की बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द GOX जीन. GOX जीन मतलब ग्लाइफोसेट ऑक्सीडोरिडक्टेज. गलती से ग्लूकोज ऑक्सीडोरिडक्टेज नहीं समझ लेना. इज अ टाइप ऑफ जीन विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ क्रोमैटोबैक्टर स्पीशीज स्ट्रेन LBAA जो कि रेजिस्टेंस देता है किस चीज के लिए ग्लाइफोसेट के लिए. तो ग्लाइफोसेट को ब्रेक डाउन करने वाला प्रोसेस करने वाला जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड ग्लाइफोसेट ऑक्सीडोरिडक्टेज इट इज एनकोडेड बाय द जीन दैट इज कॉल्ड GOX जीन विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन और क्रोमैटोबैक्टर स्ट्रेन LBAA जिसका इस्तेमाल ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए किया जाता है. ध्यान रखना जनरली हम जब कभी भी ग्लाइफोसेट के बारे में बात करते हैं ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो EPSP वाले जीन के बारे में हमें जो है बात याद आती है वो तो है ही जो आपको याद रखना है. उसी के साथ साथ GOX जीन का भी इस्तेमाल किया जाता है सो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांजेनिक प्लांट है जिसका नाम है ब्रासिका नैपस वैरायटी लॉरिएसी.
एक ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में बात हो रही है जो कि ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, नाम है ब्रासिका एनापिस, वैरायटी लॉरेसी विद इंक्रीज्ड लॉरिक एसिड कंटेंट। इसके अंदर लॉरिक एसिड कंटेंट बढ़ाने के लिए किसी दूसरे प्लांट का जीन इंट्रोड्यूस कराया गया है। कौन से प्लांट का जीन इंट्रोड्यूस कराया गया, यही क्वेश्चन है आपसे। और प्लांट का नाम है अम्ब्यूलेरिया कैलिफोर्निका। तो कैलिफोर्निया का एक ट्री स्पीशीज है जिसका नाम है एम्बिल्यूरिया, जिसमें से लॉरिक एसिड प्रोड्यूसिंग जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है ब्रासिका एनापिस के अंदर, और इस वजह से लॉरिक एसिड की जो क्वांटिटी है, जो प्रोडक्शन है ब्रासिका एनापिस के अंदर, ज्यादा हो चुका है। तो दिस इज अ प्लांट विच इज प्रेजेंट इन कैलिफोर्निया एंड बिलोंग्स टू फैमिली लॉरिएसी। तो याद रखें प्लांट के बारे में और इसका जो जीन है वो क्या फंक्शन इंड्यूस कराता है ब्रासिका एनापिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसएसआर मार्कर। एसएसआर मार्कर जनरली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं VNTR टाइप ऑफ सीक्वेंसेस के बारे में, जो कि बहुत ही छोटे रिपीट्स होते हैं, अप्रोक्सीमेट 3, 2, 5 और 7 बेस पेयर के रिपीट्स होते हैं। तो जनरली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, आंसर दे रखा है वो आंसर इज डोमिनेंट। इन्होंने आंसर में क्या दे रखा है, डोमिनेंट, बट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंट टाइप ऑफ मार्कर। तो ध्यान रखना दोस्तों कि कई सारे एरर्स भी कभी कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस में ऐसे एरर्स हो सकते हैं। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस पे पहुंचे हैं जहां पर एरर के चांसेस आपको लग रहे हों, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन जेल बेस्ड एसे आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ऐसा कौन सा वाला एग्जांपल है इसमें से जिसके लिए जेल और वी कैन से इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जेल बेस्ड जो भी एसेज हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा मार्कर है। तो SSR के लिए किया जा सकता है एक बार के लिए, बिकॉज उनकी जो लेंथ है वो एक अप्रोप्रिएट साइज की होती है। ऐसे ही RAPDs के लिए भी और SSRs के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक बार के लिए। देन सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसके लिए जनरली आप जेल बेस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज एक न्यूक्लियोटाइड में अगर हेर फेर है तो उसे आसानी से जेल को देख करके या जेल के ऊपर बैंड्स को देख करके रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। वी हैव टू गो फॉर अ डीएनए सीक्वेंसिंग एंड देन वी हैव टू मैच अ सीक्वेंस, देन ओनली वी कैन गेट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिक चेंजेस। तो इसके लिए जो है इस तरीके के मेथड्स, जेल बेस्ड मेथड्स काम नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रील पॉपुलेशन। रील पॉपुलेशन क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट इंटरब्रीडिंग लाइन। तो इंटरब्रीड लाइन को अगर क्रिएट करना है, एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट के इंटरब्रीड लाइन्स को क्रिएट करना है, तो हमें कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, बैक क्रॉस का इस्तेमाल, जी नहीं, बैक क्रॉस का इस्तेमाल तो हम कंफर्म करने के लिए करते हैं कि जो भी पेरेंट है वो हेटरोजाइगस है या होमोजाइगस है। इससे तो हम प्योर लाइन नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कुछ अलग अलग तरीके की हैं। अगर पेरेंट हेटरोजाइगस हुआ तो सारे के सारे एक जैसे जीनोटाइप वाले नहीं बनेंगे। बैक क्रॉस का इस्तेमाल अलग ही फंक्शन के लिए, अलग ही काम के लिए किया जाता है, कभी भी प्योर लाइन क्रिएट करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे ही पेडिग्री मेथड नहीं किया जाता। सिंगल सीड डिसेंडेंट मेथड क्या होता है समझिए पहले, कि जो भी पर्टिकुलर प्लांट से सीड बनेगा उसी सीड को लेकर के हम फिर से जो प्लांट को रेज करेंगे देन उनके बीच में क्या कराएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, सीड फॉर्मेशन कराएंगे। अगर सिंगल सीड
ही बनते हैं किसी डिसेंडेंट के अंदर, तो फिर यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक या हम कह सकते हैं वेरिएंट बनने के चांसेस कम होंगे। जो भी इंडिविजुअल बनेगा उस इंडिविजुअल में वही फीचर होंगे जो कि हमें चाहिए। तो जनरली सिंगल सीड डिसेंडेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। हम ऐसे किसी प्लांट को नहीं यूज़ करते जिसमें बहुत सारे सीड्स आते हों और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनने के चांसेस हों। तो रिकॉम्बिनेंट, इंटर और इन ब्रीडिंग लाइन को, प्योर लाइन को क्रिएट करने के लिए जनरली सिंगल सीड डिसेंडेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एंथर कल्चर, ये तो टिश्यू कल्चर का पार्ट आ गया, ये तो प्लांट ब्रीडिंग का हिस्सा नहीं है। तो ये तो मोर एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, एंथर कल्चर जैसी चीज है। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल लोकस टूवर्ड्स अ टोटल परफॉर्मेंस ऑफ अ क्वांटिटेटिव ट्रेट इज एस्टिमेटेड बाय कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन। सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उनमें क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो फिर आसानी से इन सब का आंसर दिया जा सकता है। बट इफ़ यू डोंट नो द कंसेप्ट, लीव द क्वेश्चन। नेक्स्ट, एसोसिएशन मैपिंग इज नॉट बेस्ड ऑन वेरिएशन। जब कभी भी हम एसोसिएटिव मैपिंग की बात करते हैं तो एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर जनरली हम किसी ऐसे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो लगातार वेरिएशन डेवलप करता जा रहा है, जो लगातार कई सारे चेंजेस अक्वायर करता जा रहा है। तो अकरिंग इन अ नेचुरल पॉपुलेशन, जी हाँ, इनमें किया जा सकता है। एक्यूमुलेटेड ओवर मेनी जनरेशन, जी हाँ, अगर कोई पॉपुलेशन जो है लगातार नेचुरल तरीके से मल्टीप्लाई हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन ग्रो कर रही है, तो उसके अंदर हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे। सो इस तरीके के मैपिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल ऐसे केसेस में किया जाता है। अरेजिंग डिटर्मिनेशन, हाँ, ये भी एक फैक्टर है जो कि वेरिएशन को कहीं ना कहीं इंड्यूस करवाता है। और ऐसी पॉपुलेशन जिनके अंदर लगातार बदलाव आते रहते हैं, लगातार चेंजेस आते रहते हैं, उनको स्टडी करने के लिए, उनकी मैपिंग करने के लिए एसोसिएशन मैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अकरिंग अ फिक्स्ड मैपिंग पॉपुलेशन, जी नहीं, किसी फिक्स पॉपुलेशन के अंदर जिनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसमें एसोसिएटिव मैपिंग का कोई भी फायदा नहीं है। तो नॉट बेस्ड ऑन वेरिएशन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंगली हम किसी फिक्स्ड पॉपुलेशन में इसका इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। जेनेटिक बेसिस ऑफ कंपैरेटिव जीनोमिक अप्रोच, तो क्वेश्चन किस बारे में है, जेनेटिक बेसिस ऑफ कंपैरेटिव जीनोमिक अप्रोच। तो फाइलोजेनेटिक स्टडीज के दौरान जब कभी भी हम दो अलग अलग स्पीशीज को जेनेटिकली कंपेयर कर रहे हैं, जेनेटिकली उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कितनी डिफरेंसेस हैं, इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, तो उस समय कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे अप्रोचेस हैं जिनका जनरली इस्तेमाल कर लिया जाता है। द जेनेटिक बेसिस ऑफ कंपेरेटिव जीनोमिक अप्रोच इज, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। सिंटनी अमंग जीनोम्स, जी हाँ, ठीक है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, इस चीज़ को तो हम ध्यान में रखते ही हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग जीनोम, ओके, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग द जीनोम्स, ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी पोर्शन है। कोलिनियरिटी अमंग द जीनोम्स, इसे भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है। लेकिन अब इन सारी चीज़ों में जो सबसे सही कॉम्बिनेशन बैठेगा वो क्या बैठेगा, तो करेक्ट आंसर शुड बी सिंटनी एंड कोलिनियरिटी। सिंटनी क्या होता है, कोलिनियरिटी क्या होती है, एक बार के लिए समझें तो आराम से क्वेश्चन का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। सिंटनी क्या होता है, रेफर्स टू द फिजिकल लोकलाइजेशन, कोलोकलाइजेशन ऑफ अ जेनेटिक लोकाई ऑन द सेम क्रोमोजोम इन अ स्पीशीज। तो जब कभी आप सिंटनी की बात कर रहे हो तो एग्जैक्टली इसका क्या मतलब निकल रहा है, हम बात कर रहे हैं फिजिकल
कोलोकलाइजेशन ऑफ जीनेटिक लोकाई, कोई पर्टिकुलर जीन है किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर, अगर देखा जाए किसी स्पीशीज के अंदर, कुछ ग्रुप ऑफ स्पीशीज अगर कंसिडर कर लें, तो उनकी क्या अरेंजमेंट है एग्जैक्टली, राइट? हो सकता है कि वो एग्जैक्टली सेम तरीके की अपीयरेंस शो करते हो, सकता है थोड़े से डिफरेंस अपीयरेंस शो करते हो. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कोलोकलाइजेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर जीन ऑन एनी वन क्रोमोसोम इन अ स्पीशीज, देन इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ यस सिंटनी. सेम स्पीशीज के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, एक ही स्पीशीज के अंदर आप जो भी जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स में कहां कहां पर है ये सब सब स्टडी कर रहे हो, तो इसे सिंटनी कह दिया जाता है. और इस कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी थोड़ी सी अलग है सिंटनी से. कैसे? रेफर्स टू द फिजिकल कोलोकलाइजेशन. यहां पर भी आप किसी न किसी जीन के पोजीशन के बारे में बात कर रहे हो ऑफ द जेनेटिक लोकाई, ठीक है, अगेन ऑन द सेम क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम भी सेम है, जीन भी सेम है, राइट? उसकी पोजीशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, बट नाउ इट इज इन अ डिफरेंट स्पीशीज. तो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में जो जीन हैं किसी क्रोमोसोम के ऊपर, उसकी क्या अरेंजमेंट है, उसकी क्या पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड कोलिनियरिटी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट स्पीशीज, राइट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्पीशीज देन इट इज कॉल्ड सिंटनी. तो जब कभी भी आप जीनोमिक कंपैरिजन कर रहे हैं किसी स्पीशीज के बीच में, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है, किसी एक स्पीशीज के अंदर जो जीन्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर, या फिर किसी दूसरे स्पीशीज के साथ जब आप उसे कंपेयर कर रहे हो तो क्या कोई डिफरेंस है या सिमिलैरिटी है, राइट? सो लाइकवाइज सिंटनी एंड कोलिनियरिटी इट इज मोस्टली कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ कंपेरेटिव जीनोमिक स्टडीज. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो, सोमैटिक एम्ब्रियो का फीचर क्या होता है बताइए. इट इज यूनिपोलर, जी नहीं, एक एंड पर आपको अलग अपीयरेंस दिखेगा, एक एंड पर अलग अपीयरेंस दिखेगा. एम्ब्रियो इज कंटेन द प्यूमूल साइड, रेडिकल साइड, अलग अलग एंड्स होते हैं, एक्सेस होता है. इट ओरिजिनेट फ्रॉम मेनी सेल्स, एक सेल से भी एम्ब्रियो को बनाया जा सकता है, सिंगल सेल भी एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकता है, जरूरी नहीं कई सारे सेल्स मिलकर के एक एम्ब्रियो बनाए. इट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सप्लांट, क्यों नहीं, आराम से सेपरेट किया जा सकता है. सो करेक्ट आंसर जो है वो है देयर इज नो वैस्कुलर कनेक्शन विद एक्सप्लांट. जी हाँ, इनके बीच में किसी भी तरीके का वैस्कुलर कनेक्शन फॉर्म ही नहीं हुआ था. एम्ब्रियो इज अ स्ट्रक्चर विच इज अ लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल विच कंटेन सम यूनिक पोल्स, दैट इज प्यूमूल एंड रेडिकल एंड विथ सम कॉटिलेडोनस स्ट्रक्चर और कॉटिलेडोनस प्राइमोर्डिया इट इज ऑब्जर्व इन टू द एम्ब्रियो. तो इस तरीके से इसके अंदर कोई वैस्कुलेचर अभी भी फॉर्म नहीं हुआ है बिकॉज दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट मटेरियल व्हाट इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ टिश्यू कल्चर. सबसे सही जो आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये अगर आपको पता है तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे सकते. ओनो ये जो नाम है इज अ सोमा क्लोनल वैरायटी, कौन से पर्टिकुलर प्लांट की सोमा क्लोनल वैरायटी का नाम है, शुगर केन का नाम है, याद रख लीजिए अभी के लिए. द सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फंजाई, फंजाई का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है. अब ये बड़े बेसिक क्वेश्चन आ गए, काइटिन का बना हुआ होता है जिसे फंगल सेलुलोज भी कह सकते हैं. अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल का बात होता तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, प्लांट के सेल वॉल की बात होती तो सेलुलोज हेमोसेलुलोज का बना हुआ होता है. तो इस तरीके से सही आंसर जो होगा दैट विल बी सेकंड. प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, किसी वायरस के ऊपर प्रोटीन की जो कोटिंग प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज के ये जो हेक्सागोनल कैप लाइक पोर्शन है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, बताइए कि इसे क्या कहते हैं. इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ
कैप्सिल। एनवलप जनरली बैक्टीरिया के केस में यूज किया जाता है, कैप्सूल इस टर्म का भी इस्तेमाल बैक्टीरिया के केस में किया जाता है, कैप्सिड इस टर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल इन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक यूनिक तरीके का सेल पाया जाता है, एंड दैट यूनिक टाइप ऑफ सेल विच कंटेन अ यूनिक काइंड ऑफ कंडीशंस इनसाइड, एंड दैट यूनिक टाइप ऑफ कंडीशन कंटेनिंग सेल ये कोई एक साइनो बैक्टीरिया का ट्राइकोम है, एंड इट कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। दिस यूनिक टाइप ऑफ सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक टाइप ऑफ कंडीशन इनसाइड, दैट इज एनारोबिक कंडीशन, और इस एनारोबिक कंडीशन के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक एक्टिविटी कराता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पेशलाइज सेल दैट इज कॉल्ड यस हेटरोसिस्ट। हेटरोसिस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा थिक वॉल होते हैं, और ज्यादा थिक वॉल होने की वजह से अंदर ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाता, और क्योंकि नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए, और इस वजह से ऐसी सिचुएशन मेंटेन की जाती है। एकिनाइट्स आर द थिक वॉल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। सिस्ट ये अगेन रिप्रोडक्शन के दौरान यूज होने वाला एक यूनिक तरीके का फॉर्म है जो कि कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म होता है। एंडोस्पोर्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो हेटरोसिस्ट जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन अ बैक्टीरिया फर्स्ट अमाइनो एसिड, बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहली अमाइनो एसिड जिसे इनिशिएशन अमाइनो एसिड भी कह देते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन जिसका यूटिलाइजेशन होता है, सबसे पहला अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन में कौन सा यूज होता है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस जो सही आंसर निकल आता है वो मिथियोनिन है। लेकिन अगर आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पता है तो ये भी पता होगा एन फॉर्माइल मिथियोनिन ज्यादा सही आंसर क्या होता है, एन फॉर्माइल मिथियोनिन होना चाहिए था तो ये ज्यादा सही होता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हमें पता होना चाहिए और अगर आपको मिथियोनिन पता है तो भी वो सही माना जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों कि अगली बार अगर एन फॉर्माइल मिथियोनिन लिखा है तो कुछ अलग नहीं है, ज्यादा सही है वो, मिथियोनिन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज करंटली बैक्टीरियल फाइलोजेनी इज बेस्ड ऑन, बैक्टीरियाज के बीच में जब हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा सो पता चलता है कि जो भी यू बैक्टीरियाज हैं यू बैक्टीरियाज आर कंपैरेटिवली प्रिमिटिव देन आर्किया एंड दे आर मोर क्लोज टू यू कैरिया। सुपर डोमेन्स कह सकते हैं इन्हें हम, और ऐसा कैसे हम कह रहे हैं कि कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, दैट इज द आर्कियास दे आर मोर क्लोज टू यूकेरिया लेस क्लोज टू यू बैक्टीरिया, इट इज सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ
16SRRNA। तो बैक्टीरियाज के बीच में जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इसे पता करने के लिए हमने कौन से पर्टिकुलर पोर्शन का इस्तेमाल किया हुआ है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम कंपेयर करते हैं, इट इज 16SRRNA। करेक्ट आंसर शुड बी 16RRNA, इट शुड बी 16SRRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द एनर्जी सोर्स फॉर द जीनस नाइट्रोसोमोनास। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कौन सा बैक्टीरिया किस तरीके का एक्टिविटी कराता है नाइट्रोजन प्रोसेसिंग के दौरान, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जनरली राइजोबियम इज रिस्पॉन्सिबल, साइनोबैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल। नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जनरली क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो इनसॉल्युबल नाइट्रोजन है, उसे अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर इस अमोनिया को आगे प्रोसेस करने के लिए नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो बैक्टीरियाज हैं इनको हम नाइट्रोसोमोनास कहेंगे। दे आर मेनली यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड फाइनली टू कन्वर्ट देम इनटू अ नाइट्रेट। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि अमोनिया का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले नाइट्रेट बनेगा एंड देन नाइट्राइड बनेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर शुड बी दे आर यूजिंग अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बैक्टीरियोफाज M13, M13 के अंदर कौन से तरीके का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, M13 के अंदर डीएनए पाया जाता है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन और भी आसान, सीधे सीधे क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं होगा, लेकिन अगर कंसेप्ट पता है तो, नहीं तो कंफ्यूजन भी उतने सारे होंगे आपको। फॉर अ ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू एनएडी मस्ट जनरेटेड थ्रू, अगर आप चाहते हैं ग्लाइकोलाइसिस लगातार काम करती रहे तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमेशा एनएडी की जरूरत पड़ती रहती है, एडीपी की जरूरत पड़ती रहती है, और एडीपी और एनएडी की सप्लाई लगातार बनी रहे इसके लिए कौन कौन से प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, कहाँ पर एनएडी की फॉर्मेशन होती है। तो फर्मेंटेशन के दौरान, जी हाँ, एनएडी की फॉर्मेशन होती है, कई सारे रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा हो, क्रैब साइकिल काम कर रही हो, तो भी एनएडी का फॉर्मेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एनएडी बनता रहता है। तो सारे के सारे प्रोसेसेस के दौरान एनएडी बनता है, और इस तरह से आंसर जो निकल करके आएगा दैट शुड बी फोर। एंड ग्लाइकोलाइसिस इसे हम ना एरोबिक ना एनारोबिक, ये दोनों ही कंडीशंस में काम करती है। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी ग्लाइकोलाइसिस करते हैं और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स भी ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, याद रखना इस बात को, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आ जाए और ये हिंट आपके काम आ जाए। अगला क्वेश्चन, अगेन ईजी क्वेश्चन, इमिडिएटली आफ्टर इनोकुलेशन, तो हमने किसी मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर क्या इनोकुलेट कर रखा है, किसी फ्रेश मीडियम के अंदर, जस्ट अभी अभी हमने ये फ्रेश मीडियम बनाया है, और इस फ्रेश मीडियम के अंदर क्या इनोकुलेट कर दिया, कुछ बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, तो बताइए कि क्या देखने को मिलेगा। इनटू अ फ्रेश मीडिया द फेज इन विच पॉपुलेशन रिमेन टेम्पररी, तो कौन सा फेज है जिसमें थोड़े समय के लिए पॉपुलेशन रहेगी और पॉपुलेशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अभी हमने ग्रोथ कर्व की बात की थी,
जिसमें जैसे ही आप किसी नए कंडीशन में कुछ बैक्टीरियाज को इनोकुलेट करते हो, उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनकी पॉपुलेशन साइज में कोई चेंज नहीं आता, वो धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट कर रहे होते हैं उस नए एनवायरनमेंट के अंदर, और जब वो अडॉप्ट कर जाएंगे तब फिर उनमें बहुत सारे बाकी के फेजेस देखने को मिलेंगे। ये जो पहला फेज है ये क्या है, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। इस पहले फेज को क्या कहा जाता है, लैग फेज कहा जाता है। लैग फेज वो फेज है जब कोई ज्यादा बदलाव ना ही बैक्टीरिया के नंबर में देखने को मिलेगा, ना ही और किसी तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। हाँ, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या फिजियोलॉजिकल स्विचेस हो रहे होते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, तो दिस फेज इज कॉल्ड एज अ लैग फेज। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ लें लॉग फेज के ऊपर, या हो सकता है स्टेशनरी फेज के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे एक बार कि कौन कौन से फेजेस हैं, उनके कौन कौन से नाम हैं। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझे होंगे, इनके एक्सप्लेनेशंस आपको समझे होंगे, और ये एक्सप्लेनेशंस आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे किसी और क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए। तो अगर आपने पूरे के पूरे वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें एक बार के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, शेयर कर दें उन सारे दोस्तों के साथ जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस बनाएं, आपकी मदद करते रहें, आपकी प्रिपरेशंस को बेहतर बनाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आते रहें आपको सारे नए बदलावों के, नए अपडेट्स के। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।